हे गाइस, गुड इवनिंग। आई वेलकम यू ऑल टू एग्जामशाला। सो साल का आखिरी वीडियो आप लोगों के लिए, और इस वीडियो में हम लोग 30 और 31 दिसंबर 2019 के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बातें आप सबसे कहना चाहता हूँ। इन बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कल से आपका एक नया साल स्टार्ट होगा, और बहुत छोटी सी बात बोलूँगा आपसे, बहुत सारे रेजोल्यूशन आप लेंगे, बहुत कुछ बनने की कोशिश करेंगे। कोई सीधे सीधे सोच लेगा मुझे आईएएस बनना है, कोई बॉडी बनाना चाहेगा, कोई बहुत खूबसूरत बनना चाहेगा, कोई अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा करना चाहेगा। एंड ऑफ कोर्स हम सबको करना भी चाहिए, और हम इतने बड़े बड़े गोल डिसाइड कर लेते हैं कि वो 4 से 5 दिन में खत्म भी हो जाते हैं। अब विश्वास मानिए, 90% से ज़्यादा लोगों के रेजोल्यूशन दूसरे दिन टूट जाते हैं। तो क्या किया जाए, क्या है इसका सॉल्यूशन? क्या पढ़ाई छोड़ दी जाए, क्या उस गोल को छोड़ दिया जाए, या फिर बस वही जिंदगी जी ली जाए जो सब जी रहे हैं? नहीं सर, आपको बस अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, लेकिन प्लान सिर्फ 24 घंटे के लिए करना। अगले 24 घंटे में आप क्या कर सकते हैं? आप 8 घंटे सोइए, 3 से 4 घंटे टीवी देखिए, दोस्तों के साथ घूमिए, 1-2 घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज करिए, लेकिन कम से कम 6 घंटे पढ़िए। और पढ़िए भी सब कुछ नहीं, करंट अफेयर को रोज कर लीजिए, और इंग्लिश को 2-3 घंटे दे दीजिए, मैथ्स को 1-2 घंटे दे दीजिए, और ये शेड्यूल में चलिए अल्टरनेट डेज के हिसाब से, और किस सेक्शन में वीक है उस सेक्शन पे काम करिए। मेरा मतलब कहने का ये है कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूज होंगे। तो उससे अच्छा है सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़िए, और 2 से 3 दिन पढ़िए। जब तक एक टॉपिक कंप्लीट ना हो उस टॉपिक को छोड़िए मत। आप देखेंगे धीरे धीरे करते करते 2 से 3 महीने आपको रिजल्ट दिखेगा। तो बहुत बड़े गोल ना डिसाइड करके, लिस्ट ना बना करके, खुद को प्रेशर में ना ला करके आराम से काम करिए। एक दिन रिजल्ट आएगा और आप सबका सिलेक्शन होगा। बस बात इतनी सी है। तो प्लान सिर्फ 24 घंटे के लिए करना है, और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। और आज का क्वेश्चन है ये, और इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर अटेम्प्ट करिए। विश्व रैपिड शतरंज 2019 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है, राफेल वैगनियन, कोनेप हम्पी, विक्टर गैवरिकोव एंड गैबर कल्ली। जो भी आपको आंसर पता हो इसे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आज मैंने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के 1 लाइनर्स पोस्ट कर दिए हैं। आप उन पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। चलिए शुरू करते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज बीन नेम्ड एज इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वैसे ये न्यूज कई दिनों से चल रही थी, और इसका सही जवाब है आपका बिपिन रावत। ठीक है, ये आज ही रिटायर हो रहे हैं, और इनके जगह जो अब चीफ होंगे वो होंगे जनरल मेजर मुकुंद नरवाने। ठीक है, जनरल मेजर मुकुंद सॉरी मनोज मुकुंद नरवाने, इनको अब आर्मी चीफ बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कब बनाई गई थी? ठीक है, कब फाउंड करी गई थी? इसका सवाल का जवाब है 1947 में। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फाउंड कब किया गया? वो 1947 में किया गया। क्वेश्चन के हिसाब से भी अगर चले, चीफ ऑफ डिफेंस ये अपने आप में पहली टर्म होगी, ये अभी पोस्ट लाई गई है। ठीक है, तो ये क्या होंगे जो हमारे विपिन रावत जी हैं, ये होंगे प्रिंसिपल एडवाइजर टू यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। ओके, अब जो कि हैं हमारे वो जो भी हैं, आप उनका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्सिबल क्या होंगे, जो जो हमारे विपिन रावत जी हैं, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल 3 आर्म्ड सर्विस इंक्लूडिंग आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये हो गई हमारी बात इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आगे आते हैं, और आज का दूसरा क्वेश्चन है, विच इंडियन डिफेंस सर्विस हैज बैंड द यूज ऑफ फेसबुक बाय इट्स पर्सनल। किसने किया है? तो सर जी, इंडियन नेवी ने बैन कर दिया है फेसबुक को यूज करने से। ठीक है, तो अब जो भी उनके पर्सनल्स हैं वो अब फेसबुक यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो और उसके अलावा उन्होंने बेस में, जो उनका नेवल बेस है, वहाँ पे उन्होंने स्मार्टफोन के यूज को भी बैन कर दिया है। ये बेस के अलावा डॉकयार्ड हो गया, और जो अब्रॉड वॉरशिप होगी उनकी, ठीक है, इसमें भी क्यों कर दिया गया है? क्योंकि उनकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो रही थी। और आपको पता है कि कोई भी हमारा डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारे प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन सबसे बचने के लिए, या बेसिकली बोले स्पाइंग से बचने के लिए। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, और थर्ड क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली डिप्लॉयड फर्स्ट अवन गार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल इन इट्स डिफेंस सिस्टम? किसने किया है? तो इसका सही जवाब है वो है रशिया। ठीक है, याद रखिएगा, रशिया ने अवन गार्ड हाइपर मिसाइल सिस्टम को इंस्टॉल किया है या डिप्लॉय किया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसके अलावा एक छोटी सी बात और बता देता हूँ इसी से जुड़ी हुई, वो ये कि इंडिया ने भी अपना पहला सोलर मिशन लॉन्च किया है, और इसका नाम है आदित्य L1,
और ये इसरो ने किया है, ये याद रखिएगा, आदित्य ए, ठीक है, L1, और ये किसने लॉन्च किया है, इसरो ने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे को, और आज का चौथा क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए, विच इंडियन फीमेल चेस प्लेयर रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप टाइटल, किसने जीता है? तो सर जी इसका सही जवाब है आपका कनेरू हेम्पी, ठीक है। सो कनेरू हेम्पी ने आपका ये अवार्ड जीता है रैपिड चैंपियनशिप का, और यही मैंने आपसे अभी पूछा भी था, ठीक है। इन्होंने डिफीट किसे किया, इन्होंने चाइना की ली तिंगजी को हराया है, ठीक है, ये याद रखना है। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है कोनेरू हेम्पी ने, और इन्होंने हराया है ली तिंगजी को, ठीक है। चलिए इनको फिलहाल 2003 में अर्जुन अवार्ड मिला था, और पद्मश्री इनको 2007 में मिला था, ये भी याद रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमको हमारे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और आपकी जो भी क्वेरीज है जरूर आप पूछिए। आगे आते हैं, और आज का पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ मूवी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मलाला यूसुफ अजई, इनको नोबेल पीस प्राइज अवार्ड भी मिला था अगर आपको याद हो, और काफी फेमस शख्सियत है पाकिस्तान की, अक्सर फीमेल को लेकर के आवाज उठाती हैं, इनके ऊपर गोली भी चली थी, इनकी जान खतरे में रहती है, हमेशा सिक्योरिटी में ही रहती हैं। तो क्या नाम है उस मूवी का जो इनके ऊपर बन रही है, तो मूवी का नाम है गुल मकाई, ठीक है। ये मलाला यूसुफाई के ऊपर बनाई जा रही है, और ये रिलीज की जाएगी 31 दिसंबर 2020 को, सॉरी नॉट 2020 को करी जाएगी, ठीक है। इसमें स्टार्स हैं दिव्या दत्ता, पंकज त्रिपाठी, अतुल कुलकर्णी और मुकेश ऋषि, ठीक है। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, और ये मिला था 2014 में, किसको मिला था, मलाला जी को। आते हैं इस सफरनामे को आगे बढ़ाते हैं, और आज का छठवां क्वेश्चन रहा, हु लॉन्च्ड द बायोमेट्रिक इनेबल्ड सेंट्रलाइज एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ट्रेनिंग मॉड्यूल, किसने लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है, श्री विक्रम शर्मा, श्री दिनेश कार्तिक, श्री हरदीप सिंह पुरी और श्री राजेश शर्मा। तो देखिए इसका सही जवाब है श्री हरदीप सिंह पुरी, तो ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया है बायोमेट्रिक एनेबल सेंट्रलाइज एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो ये याद रखना है, इतनी इंफॉर्मेशन इसके लिए सफिशेंट होगी। हम आते हैं आगे की तरफ, और अगला क्वेश्चन रहा सातवां, हाउ मेनी डेज धनु जत्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट वेस्टर्न ओडिशा। सो ये पहली चीज तो नाम याद रख लो, जो धनु जत्रा फेस्टिवल है वो आपका ओडिशा से जुड़ा हुआ है, और यह कितने दिन मनाया जाता है? सर जी ये मनाया जाता है 11 दिन, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा इसमें किसकी पूजा करी जाती है? तो देखिए लॉर्ड कृष्णा की पूजा करी जाती है, ठीक है। और एक वो जो हमारी एक माइथोलॉजी स्टोरी चलती है, कृष्ण जी ने कंस को मारा था, अपने मामा को, जो उनका राक्षस मामा थे कंस मामा, तो उन्होंने कंस को मारा था, उस बेसिस पे या उनके लिए मनाया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए ये एक एनुअल फेस्टिवल है धनु जत्रा, और फिलहाल ये लगभग 1947-48 से मनाया जा रहा है, आप कह सकते हैं कि 70 साल, मैं बोलूंगा इंडिपेंडेंस के टाइम से लगभग चल रहा है। इसमें इस साल लगभग 3,000 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, लगभग 120 ट्रूप इसमें आए अक्रॉस द स्टेट, मतलब पूरे इंडिया से आए और सारी स्टेट से भी आए, और जिन्होंने मिलकर परफॉर्म किया। क्या परफॉर्म किया? ऑफकोर्स जो भी फेस्टिवल्स रिलेटेड सेरेमनीज होती हैं उनको, ठीक है। चलिए इतनी इंफॉर्मेशन इसके लिए सफिशियंट रहेगी, और हम आगे आते हैं, आज का आठवां क्वेश्चन रहा आपके सामने, विच स्टेट सीएम लॉन्च्ड टॉर्ची रिलाय ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज पे था। तो इसका सही जवाब है असम, ठीक है, असम के चीफ मिनिस्टर जी ने बताया है, और इनके चीफ मिनिस्टर, तो असम के चीफ मिनिस्टर है सबरनंदा सोनोवाल, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया टॉर्ची रिलाय ऑफ थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये कौन सा एडिशन है? ये तीसरा एडिशन है। अच्छा ये कहाँ पे हेल्ड होंगे? सर जी ये गुवाहाटी में होंगे, ठीक है। कब से कब तक? 10 जनवरी से 22 जनवरी तक होंगे, डेट याद रखिएगा, कब से? 10 जनवरी से 22 जनवरी तक। बढ़ते हैं आगे, आज का नवा क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन है, हुज मेमोरियल लेक्चर ऑन मार्च 20 नेक्स्ट ईयर प्लान्ड टू ऑर्गेनाइज बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके मेमोरियल लेक्चर पे बनाएगी? तो इसका सही जवाब है अरुण जेटली, हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनकी डेथ हो गई इसी साल, ठीक है। तो मार्च 20 में इसका इनॉग्रेशन होगा आप कह सकते हैं, या एक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे आते हैं, और आज का 10वां क्वेश्चन, और वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और इसके अलावा जो भी आपके फीडबैक्स हैं उन फीडबैक्स को भी जरूर दीजिए। क्वेश्चन रहा 10वां,
एचके जोशी टेक्स चार्ज एज ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो एचके जोशी जी हैं, इनको कौन सा चार्ज मिला है? तो सर जी, इनको जो चार्ज मिला है वो मिला है CMD का। ठीक है, किसका मिला है? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वैसे इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा डिटेल देखने की जरूरत होती नहीं है, स्टैटिक पार्ट होता है, स्टैटिक में लेकर के चलने तो बहुत है। हु वन वर्ल्ड रैपिड चेस 2019 टाइटल, तो ये किसने जीता है? तो सर जी, इसको जीता है हमारे कोनेरू हम्पी जी ने। ठीक है, वैसे क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, बट थोड़ा याद रखिएगा। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं, और ये रहा हमारा 12वां क्वेश्चन। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू लेबर कमिश्नर? देखिए, जो भी चीज न्यूज में आ जाए वो इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट टाइम पे मेरा तो मानना है कुछ भी इग्नोर मत करो। इसका सही जवाब है डॉक्टर नूना सावत तिरुमाला नाइक। ठीक है, नून सावत तिरुमाला नाइक, इनको लेबर कमिश्नर बनाया गया है। चलिए आगे आते हैं, और जो भी क्वेश्चन है ज्यादातर स्टैटिक है, ज्यादा कुछ उसमें डिटेल के लिए है नहीं। विच लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर विथ पेटीएम टू एक्सपेंड इस डिस्ट्रीब्यूशन? इसका सही जवाब है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो ये सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर विद पेटीएम टू एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल कस्टमर ऑफ पेटीएम टू परचेज इंश्योरेंस प्रोडक्ट फ्रॉम HDFC। देखिए, कंपनीज किसी भी तरीके से चांसेस नहीं छोड़ रही है, मतलब आप किसी भी तरीके से चाहिए और अवेलेबिलिटी देना चाहते हैं, आप पेटीएम यूज करते हैं, पेटीएम के थ्रू इंश्योरेंस ले लो, ठीक है, आप गूगल पे के थ्रू ले लो, कुछ ना कुछ करेंगे आगे जाकर के। तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए ज्यादा काम आजकल किया जाता है। चलिए आज के दो क्वेश्चन और हैं, इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु इज ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो चार ऑप्शन है, रणवीर सिंह, शाहरुख खान, संजय दत्त और अमिताभ बच्चन। इसका सही जवाब है अमिताभ बच्चन। ठीक है, सो अमिताभ बच्चन जी को ये अवार्ड मिला है। तो 15th दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला? दादा अमिताभ बच्चन जी को। तो ये याद रखिए कौन से नंबर का, ये 50वें नंबर का है, फर्स्ट टाइम इसको 1969 में दिया गया था, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन रहा आपके लिए 15वां। हु लॉन्च्ड कॉमन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म फॉर एसेट अटैच्ड बाई बैंक? ठीक है, सो वो कौन सा है? तो इन्होंने किया है निर्मला सीतारमन जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, तो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने किया है, इसका बी जवाब सही होगा। और इसमें लगभग 35,000 प्रॉपर्टी को रजिस्टर किया जा चुका है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। इसमें क्या होगा, द प्लेटफॉर्म इज इक्विप्ड विद प्रॉपरली सर्च फीचर एंड नेविगेशन लिंक टू ऑल PSB ई ऑक्शन साइट, प्रोवाइडेड सिंगल विंडो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज अप फॉर ई ऑक्शन। इज दैट अंडरस्टूड? तो इसी के साथ होता है वीडियो खत्म। ज्यादातर क्वेश्चन आज स्टैटिक थे और मैंने उस स्टैटिक पार्ट को कवर किया। अब जो भी होगा नए साल में होगा, मिलते हैं नए साल में। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, गुड नाइट।